हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई विल कुक कस्टर्ड फालूदा रेसिपी। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर हमने ले लेंगे पतीला। अब हम इसमें डाल लेंगे 2 लीटर दूध। दूध को हमें धीमी आंच पर पकाना है। तब तक उबाल नहीं आता तब तक हम चीनी नहीं डालेंगे। यहाँ पर हमारा हल्का हल्का उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे मावा यानी खोया। तो अब हम इसे इसके अंदर डाल देंगे और इसे भी हमें क्या करना है, अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि इसके अंदर लम्स ना रहे। अब हम इसे मिला लेंगे। जब तक हमारा ये रेडी होता है तब तक हम ले लेंगे एक तपेली और उसके अंदर ले लेंगे ग्रास। इसके अंदर हमने डाल दिया पानी। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। अब हम इसे धीमी आंच पर पकने देंगे। यहाँ पर हमने ले लिया वेनिला कस्टर्ड। अब हम इसमें पानी डालकर इसे घोल लेंगे ताकि इसके अंदर एक भी लम्स ना रहे। इसे अच्छे से मिला लेना है। यहाँ पर हमारा ग्रास का लिक्विड बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे गैस से उतार लेंगे। तो यहाँ पर हमारा दूध भी रेडी हो चुका है। अब हम दूध के अंदर डाल देंगे ग्रास का लिक्विड और इसे हल्के हाथ से चलाते रहेंगे। यहाँ पर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे वेनिला कस्टर्ड का घोल। इसे भी हम हल्के हाथ से चलाते रहेंगे। यहाँ पर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। यहाँ पर हमने ले लिया एक बाउल। इसके अंदर हम डाल देंगे ब्रेड के पीसेस जिसे मैंने पहले से घी के अंदर फ्राई कर लिया था और इस तरह से हम इसे जमा देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए पाइनएप्पल। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेप जिसे मैंने गोल गोल पीस में कट कर लिया था। अब हम इसमें डाल देंगे अनार। अब हम इसमें डाल देंगे बादाम जिसे मैंने गर्म पानी में उबाल लिया था और इसके छिलके निकाल लिए थे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे काजू। अब हम इसके अंदर डाल देंगे कस्टर्ड वाला दूध। आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम इसमें डाल देंगे बादाम काजू। कलरफुल जेली ऐड करेंगे, ग्रीन और रेड यूज़ किया। आप चाहे तो कोई भी कलर की जेली यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने जेली डाल दी है। अब हम इसमें डाल देंगे डार्क चोको चिप्स। यहाँ पर हमारा कस्टर्ड फालूदा बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।